हमारे प्रदेश के अंदर 75% के कानून की बात नहीं है। इस प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनने के बाद लगातार क्राइम बढ़ा है, कानून व्यवस्था खराब हुई है, लगातार भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। यहाँ पीने के पानी की किल्लत है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। जहाँ हमारे देश के लोग अपने प्रदेश के लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते, तो विदेश का कोई व्यक्ति यहाँ करके कैसे कंपनी लगाएगा। ये जो 75% का कानून बनाया है, ये युवाओं के साथ धोखा है। नई कंपनी आ नहीं रही, पुराने यहाँ से पलायन कर रहे हैं, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक फैसला कर रखा है, जो भी कोई अच्छी कंपनी आती है, चाहे वो किसी भी स्टेट में जाए, उस कंपनी को मजबूर करके अपने स्टेट में ले जाता है, गुजरात में। और जो कोई डिफॉल्टेड कंपनियां हैं वहाँ की, उनको आपकी तरफ बढ़ा देते हैं। देश के प्रधानमंत्री की निगाह देश पे नहीं, गुजरात पे है, इसलिए दिक्कत है। महाराष्ट्र के अंदर 100 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है और शराब तस्करी रजिस्ट्रियां वगैरह होती है, क्या प्रदेश सरकार के अंदर भी ये घोटाले रजिस्ट्रियों को लेकर हो रहे हैं क्या? हमारे प्रदेश का जितना बुरा हाल है, यहाँ पे तो लॉकडाउन के दौरान किसान को लूट लिया, शराब का माफिया खड़ा कर दिया, शहरी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ा दिए, यहाँ तक रजिस्ट्रियां जो है महंगी कर दी, और रजिस्ट्री के ऊपर सीधा सीधा जो रजिस्ट्री कराने जाता है उससे पैसे मांगने शुरू कर दिए। देखो, जो आज देश के प्रदेश के हालात हैं, यहाँ पे क्राइम बहुत बढ़ चुका है, करप्शन पीक पे है, और कंपनियां पहले ही छोड़ के जाने का काम कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो 75% वाला इन्होंने दिया है, ये एक युवाओं के साथ धोखा है, और जल्द से जल्द इसके बारे में सोचना चाहिए सरकार को। क्योंकि कोई भी कंपनी जो काम करना चाहेंगी, अगर हर एक स्टेट ऐसे करने लग गए कि हर एक स्टेट में 75% अपनी रिजर्वेशन करने लग गए, तो मान के चलिए इससे ना सिर्फ आप देश को हर एक राज्य में बांटने का काम कर रहे हैं, बल्कि ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। कहीं पे भी आप वो रेजिम दीजिए जहाँ पे कंपनीज आ सके। मैं कहता हूँ बजाय कि 100 कंपनियाँ हों और उनमें आप आरक्षण दें, मैं चाहूँगा आप ऐसी पॉलिसी बनाएं, ऐसा एनवायरनमेंट दें, क्राइम फ्री करप्शन फ्री, कि यहाँ पे 1000 कंपनियाँ आए तो सबको ऑटोमेटिकली नौकरियों का और उसका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी।